हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आशाज कॉर्नर। तो कैसे हैं आप लोग? मेरा गला थोड़ा आज बैठा हुआ ऐसा लग रहा होगा, आवाज़ ख़राब है मेरी, बट आई ट्राई माय बेस्ट कि अच्छे से आपको समझा पाऊँ। आज का वीडियो है इज़ ऑल अबाउट मीशो की कुर्तीज़। ऐसा कि आपने देख ही लिया ऑलरेडी थंबनेल से। तो गाइज, मैंने कोशिश की है बजट फ्रेंडली और पॉकेट मतलब कि बजट फ्रेंडली कुर्तीज़ की, जो कि हर कोई वेयर कर सके। लाइक हाउस वाइफ्स हैं, होम मेकर्स हैं, ऑफिस गोइंग गर्ल्स हैं, वेमेन हैं, सब लोग इन्हें अफोर्ड कर सकें और इनका जेन्युइन ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे। तो बिगिन करते हैं अपने वीडियो को। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, पहली बार आए हो और अच्छा लग रहा है यहाँ आके, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और अपनी थॉट्स जो है मेरे तक कन्वे करने के लिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स का यूज़ कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स यूज़ कीजिए इंस्टाग्राम आईडी के लिंक के लिए। तो प्लीज़ तीन रिक्वेस्ट है मेरी, ज़रूर मानिएगा। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, एसी पंखा सब बंद है, तो फेस पे आपको स्वेटिंग नज़र आ ही जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, शुरू करते हैं हम लोग पहली कुर्ती के साथ, जो कि है बहुत ही प्यारी, ब्लैक और वाइट के कॉम्बिनेशन में है। 100% कॉटन है, स्ट्रेट कुर्ती है, नी लेंथ है, प्लस फैब्रिक बहुत अच्छा है, सेल्फ डिज़ाइन के साथ है, प्लस जो इसका जो नेक है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो गाइज, ये ऐसी कुर्ती है हर कोई इसे बाय कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात, इसे आप कहीं भी वेयर कर सकते हो। लाइक कैजुअल कुर्ती है, कॉलेज के लिए, ऑफिस के लिए, घर के लिए, कहीं भी आने जाने के लिए ना, सेकंड थॉट आएगा ही नहीं, आप इसे उठाएंगे, ग्रैब करेंगे अपने वार्डरोब से और पहन लेंगे। तो गाइज, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। सी, ऑल ओवर सेल्फ प्रिंट के साथ आएगी ये। अंदर की तरफ देखिए, इस तरह से दोनों तरफ प्रिंट है इसमें, प्लस इसका जो ये वाला एरिया है जो कि स्लीव का कटआउट होता है, यहाँ पे पाइपिंग की गई है। आप इसे स्लीवलेस पहन सकते हो और अगर चाहो तो इसके साथ जो अटैच स्लीव चाहिए वो भी आप इसे लग आपको मिलेगा। इसका बहुत ही शानदार कटआउट डिटेल वाला नेक, ये देखो यहाँ पे, ये एक लेस है जो अंदर से स्टिच की गई है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और वर्किंग वुमेन को तो ये बहुत पसंद आने वाली, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ये कुर्ती। सी, ट्राई ऑन आप देखिए अच्छे से। मैंने सभी के सभी कुर्तीज़ को ट्राई करने के लिए, वेयर करने के लिए ब्लैक लेगिंग का यूज़ किया है। इन सबके पास होती है ब्लैक और वाइट, तो इसलिए ब्लैक के साथ सब कुछ अच्छा लगता है, वाइट के साथ भले ही ना लगे, ब्लैक पे सब कुछ अच्छा लगता है। और ये बहुत ही प्यारी कुर्ती है गाइस, मैं बताना चाहूँगी, सेकेंड थाट मत आने देना, फटाफट इसे बाय कर लेना। इसकी प्राइस साइज डबल एक्सल है, 44 है बस साइज मेरा, तो 44 के अकॉर्डिंग ये डबल एक्सल में आती है। डेफिनेटली बाय कीजिएगा और अपनी बहन को बताइएगा आपको कौन सी अच्छी लगी। तो 100% कॉटन मटेरियल। सेकेंड जो बहुत ही प्यारी कुर्ती है वो है काफ्तान कुर्ती। गर्मियों में काफ्तान वरदान होते हैं, एक तो ये अच्छे से सबको आ जाते हैं, इतना इसमें स्पेस होता है, 3XL वाले, 4XL वाले, हर कोई इन्हें वेयर कर सकता है। और इस बार मैंने काफ्तान ट्राई किया है जो कि पार्टी वेयर हो, ठीक है। तो गाइज, ये वाला जो काफ्तान है इसको मैंने अच्छे से मतलब ज्वेलरी के साथ और मांग टीके के साथ पेयरअप करके दिखाया था कि आप लोग अगर कहीं जा रहे हैं, लाइक संगीत अटेंड करना है, लेडीज संगीत में जा रहे हो, या छोटा मोटा कुछ भी फंक्शन है, मगर आपको लगता है कि मुझे बल्कि साड़ियाँ, लहंगे वहंगे कुछ नहीं पहनने, मेरे जैसे हो हल्का फुल्का कपड़ा पहनना प्रेफर करते हो, तो गाइज ये वाला मस्ट बाय काफ्तान है। सी, इसका फैब्रिक ऐसा है कि आप कितना ऐसे वॉश करो इसका कलर कहीं नहीं जाएगा, इसका कपड़ा भी शेड ऑफ नहीं होगा। तो गाइज, ये है पूरा योग पार्ट इसका, जो कि बहुत ही अच्छे से एम्ब्रॉयडर्ड है, प्लस इसके अंदर जो फॉइल मिरर्स होते हैं वो इंसर्ट करके स्टिचिंग की गई है, और साथ में ही आपको इतनी ही प्यारी ये लटकन सी लगी हुई मिलती है नेक के ऊपर, और फॉल्स मिरर भी बोलते हैं जिन्हें, या फिर आप बोले फॉइल मिरर भी कहते हैं कई लोग, तो वो आपको फ्रंट में मिल जाएंगे इस तरीके से। अच्छे से आप देखिए, ये देखो योग पार्ट कितना खूबसूरत है इसका, ऑल ओवर प्रिंटेड है ये ऑल ओवर, और इसका जो कलर है ना वो बहुत यूनिक है, मतलब कि थोड़ा सा ना बेज कलर भी बोल सकते हो, क्रिमिश कलर भी बोल सकते हो, इतना अच्छा कलर है। पिंक और येलो इसके अंदर और अलग से कलर मिक्स है, अगर चाहो तो पिंक कलर की लेगिंग के साथ पेयर कर लो, पैंट के साथ पेयर कर लो, या फिर येलो कलर के साथ कुछ भी इसको पेयरअप कर सकते हो, ठीक। साइड वाला पोर्शन है मतलब कि जो इसका हेम है साइड में ये वाला, इस पे पूरे पे आपको इस तरह से ना टेसल्स मिल जाएंगे। सी, ये रहे टैसल्स, और बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लुक आ रहा है इसका साइड में से, गोटा पत्ती वर्क भी है पूरा का पूरा, ये देखो यहाँ पूरा गोटा पत्ती वर्क है। नीचे देखेंगे तो यहाँ भी आपको इसके बॉटम में भी आपको पूरा गोटा पत्ती मिल जाएगा, आगे भी और पीछे भी। तो मैं कहना चाहूँगी इसे आप डेफिनेटली बाय कीजिए,
ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो तो है नहीं, मैं आपको पता है मेरे चैनल पे हमेशा आपको जो ऑनेस्ट रिव्यू होता है वही देखने को मिलता है, प्लस जो डबल एक्सल वाले लोग हैं उनके लिए मोस्टली हमेशा हेल्पफुल वीडियो होता है ये। तो जो डबल एक्सल में है और इस वक्त मतलब थर्ड एक्सल वाले हैं, फोर एक्सल वाले हैं और ये साइज डबल एक्सल में, तो मैं कहना चाहूंगी कि सिस्टर इस काफ्तान को आप यहाँ से स्टिचिंग जो है इसकी ओपन करके अपने साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट करवा सकते हो, तो थर्ड एक्सल, फोर एक्सल, फाइव एक्सल इजिली आप इसे पहन पाओगे और बहुत ही शानदार चीज है, ठीक है, बहुत ही प्यारी। अब बढ़ते हैं हम लोग थर्ड वाली कुर्ती की ओर। एक्चुअली इस हॉल में ना दो ब्लैक कलर आ गए, तो ये काफी ही अच्छी एक अनारकली कुर्ती है, फुल लेंथ के साथ अनारकली है और इसको चाहो तो कॉलेज में भी वेयर कर सकते हो, घर पे भी वेयर कर सकते हो, प्रॉपर फ्लोरल है, डबल एक्सल इसका साइज है, प्राइस आपके सामने आ ही चुका है अब तक। ये देखो अनारकली कुर्ती है, रफ एंड टफ यूज करो, जैसे चाहे मर्जी चाहे इसको वॉश करो, कहीं नहीं जाएगी, बहुत ही अच्छा प्रिंट है इसका। यहाँ पे देखिए पूरा ग्रीन येलो फ्लोरल वाइब्स है, मतलब गर्मियों में इस तरह से ना प्रिंट बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखो और बैक इसका जो नेक है वो भी काफी डिसेंट है, मतलब कॉलेज में ऑफिस में कहीं आपको लगता है ना कि डीप नेक नहीं वेयर कर सकते हो तो ये चीज आपको काफी हैंडी रहेगी। सी नेक इसका बहुत डिसेंट है, मुझे थोड़ा सा ना छोटा लग रहा था कि मेरे सिर में नहीं आ रहा था, मगर आ जाएगा अगर आप चाहो तो, ये ना हल्का सा यहाँ से थोड़ी सी स्टिचिंग ओपन करके एक बटन हटा भी सकते हो अगर आपको लगता है कि टाइट है तो, बट ऐसा कुछ नहीं है। सामने की तरफ ना आपको इस तरह से वुडन बटन भी मिल जाएंगे, देखिए बहुत ही प्यारे हैं, और स्लीव्स देखिए 3-4 स्लीव्स आएगी इसकी और बहुत ही प्यारा है। पीछे से ना ये बेल्ट मिलेगा आपको ताकि वेस्ट से ना अच्छी सी फिटिंग आ जाए, फ्लेयर बहुत अच्छा है इसका, देखो जितना हम पे कर रहे हैं ना उसको ये जस्टिफाई करता है कुर्ती, और काफी ज्यादा सॉफ्ट और मखमली कपड़ा है, मतलब गर्मियों में ऐसा नहीं है कि आपको इरिटेशन देगा, उसका कपड़ा थोड़ा सा हार्ड था, इसका कपड़ा उससे काफी ज्यादा सॉफ्ट है, और ये एवरग्रीन चीज है। आती हूँ एक ऐसी कुर्ती जो कि मेरा फेवरेट फैब्रिक यानी कि खादी कॉटन की है। गाइस ये है वो प्यारी सी स्ट्रेट खादी कॉटन की कुर्ती जो कि इस टाइप के डिटेल्स में 100% कॉटन, खादी कॉटन का ये फैब्रिक है। सामने योक पार्ट पे आप देखोगे इस तरह से तीन ब्यूटीफुली ये बटन लगे हुए हैं जो कि मोतियों का शाइनिंग है हल्की सी, आपको लगता है अच्छे नहीं लग रहे ऑफिस वगैरह में तो आप इसे हटा भी सकते हो, मगर बटन बहुत खूबसूरत है यार, ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बिल्कुल स्ट्राइप वाला पैटर्न है, ब्लू ग्रीन कलर की इसमें स्ट्राइप मिल जाएंगी आपको, सी ग्रीन, डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन कलर की, बहुत ही प्यारी है, स्ट्रेट कुर्ती है, गर्मियों के अकॉर्डिंग 3-4 स्लीव्स के साथ है, एक वॉच पहनो, एक ब्रेसलेट पहनो, गुड टू, और सिंपली अपने बालों को टाई अप कर लो, ऑफिस जा रहे हो तो बहुत अच्छा और डिसेंट है ये कपड़ा। इसका छोटा सा एक मैं बताना चाहूंगी ड्रॉबैक क्या लगा मुझे, कि जैसे मेरे बस्ट में ना ये कम्प्लीटली मतलब फिट था, लाइक मेरे बस्ट एरिया में और आर्म्स में ना ये फिट था, तो मुझे ऐसा लगता खादी कॉटन होने की वजह से कहीं ये श्रिंक ना हो जाए, हल्का सा मुझे इसे श्रिंकेज की डर लग रहा है, अदरवाइज इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अगर आप अपने साइज में लेना चाहते हो ना तो ट्राई करना, एक साइज बड़ी लो। तो गाइज ओवरऑल कुर्ती ठीक है, बट हाँ खादी कॉटन की वजह से हल्की सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि श्रिंक हो जाए, बाकी चीज़ अच्छी है, प्राइस को वर्थ करती है। अब दिखाती हूँ मैं आपको लास्ट एंड फाइनल कुर्ती टाई एंड डाई में। एक्चुअली जो मैंने पिक इसकी देखी थी ना उससे बिल्कुल डिफरेंट रिसीव हुई है मुझे, ये ऑरेंजिश काइंड ऑफ इसकी पिक में मतलब दिखा रहा है ऑरेंज ऑरेंज सब कुछ, बट ये जो रिसीव हुआ ना मुझे ये बिल्कुल पिंक कलर का रिसीव हुआ, ठीक है, पिंक एंड व्हाइट का टाई एंड डाई की कुर्ती है ये, जिसमें आपको मिलेगा फ्रंट में स्लिट का पैटर्न, लाइक आप इसमें लेगिंग भी वेयर कर सकते हैं, प्लाजो वेयर कर सकते हैं, और काफ़ी ही रेयन की काफ़ी हल्की लाइट वेट कुर्ती है, काफ़ी सॉफ्ट है, और इसमें ना मतलब ये है कि व्हाइट कलर के साथ किसी भी तरह मिक्स एंड मैच करो, चिकनकारी प्लाजो पहनो या फिर नॉर्मल भी पहनो ना तो भी बहुत सुंदर लगेगी। टाई एंड डाई एक ऐसा इफेक्ट क्रिएट करता है ना कि बिल्कुल डिफरेंट लगता है वो पहनने के बाद, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। मुझे बस्ट में हल्की सी टाइट है बट आपकी बस्ट के अकॉर्डिंग ये आ जाएगी, डबल एक्सल इसका साइज है और ट्राई ऑन आप देख चुके हैं और इसकी साइज है 42, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि 44 पहनना क्योंकि बस्ट में फिटिंग वाली चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। फ्रंट में स्लिट है, आप चाहें तो इसे स्लिट को रख सकते हैं, अदरवाइज इसको स्टिच करवा के बंद भी करवा सकते हैं, कई लोगों को पसंद नहीं आता है फ्रंट में इस तरह से स्लिट, और ये ए लाइन कुर्ती आएगी इस तरह से, देखिए ए लाइन कुर्ती है, गर्मियों के हिसाब से इस जो अभी कंडीशन चल रही है मतलब जो वेदर चल रहा है इतना ज़्यादा स्पेशली जयपुर में इतनी ज़्यादा गर्मी है तो उस टाइप से ये कपड़े बहुत अच्छे रहते हैं, ठंडे भी रहते हैं, रेयन के फैब्रिक, कॉटन के फैब्रिक, प्लस
सूथिंग इफेक्ट देते हैं बॉडी को, बाकी कुछ भी अच्छा नहीं लगता है इस वेदर में, सिर्फ कॉटन या फिर रेयन। तो गाइज मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छी है, बहुत ही ठीक है। मतलब आप ट्राई ऑन देखिए, राउंड नेक के साथ डिसेंट कुर्ती है, घर में पहनो कॉलेज पहनो कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ पिक के अकॉर्डिंग रिसीव नहीं हुई है, डिफरेंट प्रोडक्ट रिसीव हुआ। तो गाइज ये था आज का मीशो हॉल, आपको कैसा लगा, क्या अच्छा लगा प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, और लाइक करो ना करो कमेंट करके जरूर मुझे बताना कि क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा और आगे क्या देखना चाहते हो। आपकी जो मैक्सिमम रिक्वेस्ट आती है ना मेरे पास, उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो शूट करती हूँ कि मैक्सिमम जो आ रही है, एक रिक्वेस्ट आती है उसके साथ बहुत सारा और भी रिक्वेस्ट होनी चाहिए तभी वीडियो शूट हो पाता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।